देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद हौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। पुराने नोटों को एक्सचेंज करने वाले दो गैंग को टास्क फोर्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने पुराने नोट लेकर नए नोट देने वाली दो गैंगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है शेख कादर वली 42 साल, टी रविशंकर गौतम 33 साल, मेदक डिस्ट्रिक्ट का साकिन, शाहिद शेख महाराष्ट्र का साकिन, फारूक दर्जी 38 साल, मुंबई महाराष्ट्र का साकिन, शहबाज सैयद 27 साल, पुणे महाराष्ट्र का साकिन। एक इन्फॉर्मेशन मिलने पर टास्क फोर्स टीम ने इन सभी अफराद को अपनी हिरासत में लिया और इनके पास से 1,15,00,000 की रकम को जब्त किया। इन सभी अफराद को गिरफ्तार करके अदालत की तहवील में दे दिया। शेख वाहिद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इंस्पेक्टर श्रीनिवास उनके स्टाफ ने दो गैंग के डिमोनिटाइज इंडियन करेंसी, जो बैन करेंसी है 500,000, पांच मेंबर को एक्सचेंज करने वाले पांच मेंबर्स को कस्टडी में लिए। उन लोगों के पास 1,15,00,000 का कैश, एक पुरानी कैश जो बैन कैश है, वो सीज करे। इसमें से दोनों हैं, एक कादर वली से कड़पा रहने वाला है, इन्हों उनके रिश्तेदार फ्रेंड्स दूसरे लोगों से ने 20% नया नोट दे तुम बोल के पूरा 71,50,000 उन्होंने कलेक्ट करके हैदराबाद में गौतम को देने के लिए आया। गौतम ऐसे बताया कि मैं एक बैंकर मालूम है, मैं एक्सेल 30% में करा के दे दूँ, तो अगर 10% इनको बचता बोल के इन्होंने जो उनको बोले, और इतने में टास्क फोर्स की इन्फॉर्मेशन आया, वो उसको अरेस्ट करके वो पूरा अमाउंट सीज करे। ऐसे दूसरा गैंग भी है जो पुणे का है, वो तो तीनों भी है, एक शाहिद शेख, फारूक दर्जी और एक सईद, ये दो पुणे रहने वाले हैं और एक जो मुंबई का है। इन लोगों ने वहाँ छोटे बिजनेस और होटल चलाते हैं। इन्हों भी दोनों भी उनके जो रिश्तेदार और फ्रेंड्स के ने 43,50,000 10% कमीशन बेसिस में कलेक्ट करके जो दर्जी है उन्हों मुशराबाद में 2007-2010 तक भी वो जो लेदर इंडस्ट्री में काम करा, वो कॉन्टैक्ट्स है बोल के इन्हों मुशराबाद को कॉन्टैक्ट करे वहाँ से। तो मुशराबाद वाला बोले कि चलो आ जाओ भाई, हैदराबाद को आ जाओ, कैश ले लेके हम यहाँ 30% से आपको एक्सचेंज करा। उन लोगों ने एक व्हीकल एंगेज करके 43,50,000 तीनों रात में आए, वो मुशराबाद वाले से ट्राई कर रहे कि कैश एक्सचेंज करने के लिए। इतने में टास्क फोर्स की इन्फॉर्मेशन आया था, उन लोगों को हम कस्टडी में लेके उनका जो 43,50,000 है वो भी सीज करें। तो पूरा मिला के पाँच जने 1,15,00,000 पुरानी कैश सीज है। ये दोनों को भी एक गांधीनगर और एक सैफाबाद पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर करे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।